नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना काल में स्कूल खोलने की गाइडलाइंस की। दरअसल पिछले 6 महीने से कोरोना ने बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लगाया हुआ है। कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स पर ताले लटके हुए हैं, बच्चे घरों में बंद हैं ताकि जिंदगी बची रहे। कोरोना के कहर ने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर पढ़ाई सब कुछ चौपट कर दी है। कोरोना घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कब तक कोरोना के खत्म होने का इंतजार किया जाएगा? इसीलिए सरकार ने जेईई, नीट, कैट जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसमें लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया। इस सफलता के बाद अब सरकार स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थानों को खोलने जा रही है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल दोबारा से खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर से इस पर चरणबद्ध तरीके से फैसला लेने की अनुमति दी गई है। हालांकि छात्र पेरेंट्स की लिखित इजाजत के बाद ही स्कूल आ सकेंगे। अटेंडेंस को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, यानी कि उसे लेकर स्कूल दबाव बिल्कुल भी नहीं डाल सकेंगे। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस करने का विकल्प भी दिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के रिस्क को देखते हुए मंत्रालय ने कुछ निर्देश भी दिए हैं, जिन पर पूरे स्कूल परिसर की सफाई और डिसइंफेक्शन भी इसके अंदर शामिल है। राज्यों से उनकी लोकल स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एसओपी बनाने को भी कहा गया है। लेकिन अब भी कई राज्य सरकारें जो है वो अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने की बात कह रही है। जब कोरोना काल में सब कुछ खुल रहा है, सब कुछ ओपन हो चुका है, ऐसे में सरकार ने स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का जो फैसला किया है, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों को खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए। कोरोना का कब तक, यानी कि कोरोना के खत्म होने का कब तक इंतजार करना चाहिए? कब तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखना चाहिए? क्या वैक्सीन आने तक का इंतजार करना संभव है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। छात्र देश के भविष्य होते हैं, लेकिन इन छात्रों को आगे बढ़ने से कोरोना ने रोक लिया है। कोरोना की वजह से पढ़ाई लिखाई पर काफी असर पड़ा है। अब कोरोना से लड़ाई के बीच पिछले 8 महीने से बंद स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने वाली है। स्कूल खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को गाइडलाइन जारी की है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है कि वे अपने प्रदेश की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने का काम करे। मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल क्रमबद्ध तरीके से ऐसी व्यवस्था करे कि विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्कूल में क्लास कर सके। अटेंडेंस को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, यानी उसे लेकर स्कूल दबाव नहीं डाल सकेंगे। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस करने का विकल्प दिया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के रिस्क को देखते हुए मंत्रालय ने कुछ निर्देश भी दिए हैं, जिनमें पूरे स्कूल परिसर की सफाई और डिसइंफेक्शन भी शामिल है। राज्यों से उनकी लोकल स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एसओपी बनाने को कहा गया है। गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों को पूरे परिसर, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, स्टोरेज, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, लैब, लाइब्रेरी वगैरह की सफाई और डिसइंफेक्शन सुनिश्चित करना होगा। इंडोर जगहों पर पर्याप्त हवा की उपलब्धता भी तय करनी होगी। शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश है कि स्कूल फ्लेक्सिबल अटेंडेंस और सिक लीव पॉलिसी की व्यवस्था अपनाए। पेरेंट्स की लिखित अनुमति लेकर ही स्टूडेंट्स स्कूल आ पाएंगे। स्कूल आने के बजाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि स्कूल खुलने के शुरुआती 2 से 3 हफ्ते में कोई असेसमेंट नहीं होगा। इससे पहले 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। अभिभावकों का कहना है कि वैक्सीन के बिना बच्चों को स्कूल भेजना उचित नहीं होगा। अभिभावकों का ऐसा मानना है कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था संभव ही नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने तो अपने सुझाव सामने रख दिए हैं। अब राज्यों पर निर्भर करता है कि वे 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला करते हैं या नहीं। लेकिन अभिभावकों की चिंता के बीच स्कूलों को खोलना कितना सही होगा, यह बहस का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी। मुद्दा यह भी कि क्या इस वक्त स्कूल और कॉलेजेस को खोलने का फैसला सही है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार
के अंतर्गत आने वाले शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि 15 अक्टूबर के बाद से राज्य सरकार ये फैसला ले कि अब जो स्कूल और कॉलेजेस है उसे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, पूरी तरह से राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या स्कूल खुल जाएंगे, क्या अगर स्कूल खुल जाते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे, और क्या ऐसे वक्त में जब कोरोना काल है, जब हजारों की तादाद में हर एक दिन कोरोना पेशेंट्स सामने आ रहे हैं, तो क्या इस वक्त बच्चों को घरों से बाहर निकालना क्या सुरक्षित है? और जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, जो दिशा निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं, क्या स्कूल उनको फॉलो करेंगे, या फिर क्या ये संभव है कि एक स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, क्योंकि बच्चे हैं, क्या बच्चे उन तमाम चीजों को समझेंगे, क्या उनको अपने अंदर उतार पाएंगे, क्योंकि जो पहले माहौल था वो इससे बिल्कुल विपरीत था, लेकिन क्या इस माहौल में बच्चे ढल पाएंगे? ये ऐसे तमाम सवाल है जिस पर आज हम गहन चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की भी होगी कि ये जो हालात, ये जो सिचुएशन फिलहाल है, इससे बच्चों की पढ़ाई कितनी ज्यादा खराब हो रही है या फिर उस पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि तकरीबन 7 से 8 महीने से बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए कुछ हद तक पढ़ाई होती भी है, तो क्या वो स्कूलों की जगह ले पा रही है जो अब पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, उसमें और स्कूलों में जाने में कितना अंतर है? ये जाहिर तौर पे बच्चों का जो बेस है वो कितना खराब कर रहा है। इन तमाम मसलों को आज हम गंभीरता से जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि कोरोना से एक तरफ लड़ाई है लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी है। पढ़ाई जारी रखनी है, पढ़ाई आगे बढ़ानी है, और पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए बच्चों के भविष्य के साथ कतई खिलवाड़ ना हो, इसका भी बेहद ध्यान रखना चाहिए। इस पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रेणु जी बहुत स्वागत है आपका। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रीटा सिंह जी हैं, शिक्षाविद हैं। रीटा जी बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ इस वक्त राहुल भार्गव जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर हैं। राहुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। दरअसल ये बहुत अहम, बहुत गंभीर मसला है कि क्या इस कोरोना काल में बच्चों की जो पढ़ाई है वो क्या प्रभावित हो रही है? अगर हाँ तो क्या स्कूलों को खोल देना चाहिए? अगर स्कूलों को भी खोल देना चाहिए तो क्या इससे हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएंगे? सबसे पहला सवाल मेरा रीटा सिंह जी आपसे है, क्योंकि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, समझती हैं, चीजों को जानती हैं, बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो सरकार का फैसला है, ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई, कैसे देखती हैं इसे आप? देखिए, अगर इसका आपके सवाल का मैं जवाब दूं, हाँ नाम इसका जवाब है ही नहीं, क्योंकि जब तक आप पूरा एसओपी को पढ़ेंगे नहीं, उस 54-पेज डॉक्यूमेंट को ढंग से कोई पढ़ेगा नहीं, वो इसका बहुत अच्छे से बता नहीं पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन ने निकाला है ये डॉक्यूमेंट, जिसमें जो होम अफेयर्स के द्वारा जो पहले डॉक्यूमेंट निकले या हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा जो उन सबको सब्स्यूम करते हुए उन्होंने इसमें हेल्थ हाइजीन यही सिक्योरिटी नहीं देखी है। उन्होंने एक अपना मैं बोलूं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नजरिया भी उसमें जोड़ते हुए बहुत अच्छे से उसके बारे में भी बातें की हैं। तो सबको जोड़ते हुए किस तरीके से इसको अचीव किया जाएगा इसको बताया गया है। पहली बात यह है कि इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ वही मास्क और सैनिटाइजेशन, ये हमारे को मेरे ख्याल से हम लोग 5-6 महीने से इस पे तवज्जो दे रहे हैं, और हमें अब स्कूल खुला तब स्कूल खुला की ऐसे इन्फॉर्मेशन आती रही है। तो हमारे सारे स्कूलों के एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम एक IFSI के भी मेंबर हैं जो गाजियाबाद का एक फेडरेशन है, हम एक सऊदिया के मेंबर भी हैं जिसमें हमारे तमाम लीडिंग स्कूल्स ऑफ होते हैं, और हम बाकी एक FPS के भी मेंबर्स हैं, तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम सारे स्कूलों की बातचीत होती रहती है। सबकी तैयारी पूरी तरीके से है, लेकिन अब ये जो एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि बीमारी इस तरह की है, एक नयापन है इसमें, एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है हमारे, जैसे हम कहते हैं, तो इस सिचुएशन में रिस्क, क्योंकि हमारे में बहुत आसान होता है बोलना कि किसकी गलती, गलती की क्यों, मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो गलती किसकी है, जान के करेंगे भी क्या। हम सबका यही नजरिया है इस तरफ, एटलीस्ट सारे एडुकेशनर्स का, सारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स का, कि हम कैसे ऐसा होने ना दें। और एक बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट ये भी बात क्या आपको लगता है कि सही वक्त है स्कूल कॉलेजेस को खोलने का?
क्या आपको लगता है वक्त आ गया? आज की डेट में हम सही वक्त नहीं बता पाए. क्या सही वक्त 2 महीने के बाद होगा? नहीं पता. जब तक हम एहतियात के संग धीरे धीरे चीजें शुरू नहीं करेंगे, आफ्टर ऑल दुकानें बंद थी, दुकानें खुली बड़ी ध्यान पूर्वक. उसी तरीके से मैं बोलूंगी कि अगर आप इसका पहली लाइन देखें डॉक्यूमेंट की, तो यही कहता है कि ऑनलाइन टीचिंग को अभी भी महत्वता दी जाएगी. कहने का मतलब है कि वो नहीं कह रहा है, डॉक्यूमेंट ये नहीं कह रहा है कि खोलना ही है आपको या सबको बिल्डिंग में लाना ही है. ये बहुत ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि हर चीजों को लेते हुए ब्लेंडेड लर्निंग आप कैसे करेंगी, कैसे घर में कोई अगर बैठ के पढ़ना चाहता है तो कैसे पढ़ेगा, कैसे घर स्कूल में आएगा, तो क्या क्या मतलब एक एक हेल्थ डिपार्टमेंट और एक होम अफेयर्स डिपार्टमेंट और एक एडुकेशन डिपार्टमेंट का मिला जुला ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार है, जिसमें हर पर्सपेक्टिव और हर हर एंजाइटी और हर कंसर्न को एड्रेस करता हुआ. ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर है कि स्कूल खोले जाएंगे, अगर प्रदेश सरकार भी इसकी इजाजत दे देती है स्कूलों को खोल दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी इजाजत दे देते हैं स्कूलों को खोल दिया जाता है, बच्चों के लिए कितना रिस्क भरा रहेगा ये डॉक्टर राहुल? सर नेहा जी, सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि कितने परसेंट लोगों बच्चों में ये बीमारी सीवियर होती है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है. उसके बाद क्योंकि बहुत कम नंबर है, नंबर बहुत कम है क्योंकि पीडियाट्रिक केसेस बहुत कम पाए गए हैं और उनकी सीवियरिटी भी नहीं होती, तो जो लोग तर्क देंगे वो कहेंगे कि वो घर ले जाके अपने बूढ़े दादी दादा को दे सकते हैं. एग्रीड बात है. तो जो लोग जिसके माँ बाप ऑफिस जा रहे हैं तो वो भी तो अपने बूढ़े माँ बाप को जाके दे सकते हैं. आर्ग्यूमेंट नंबर वन. आर्ग्यूमेंट नंबर टू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पिछले 6 महीने में है, क्या किसी ने साइंटिफिक तरीके से संरचित तरीके से ये देखने की कोशिश करी कि बच्चों पे मनोवैज्ञानिक कितना बड़ा स्ट्रेस हो रहा है घर में बैठे बैठे? हम उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते. हम कह रहे कि नहीं और कुछ दिन बंद कर दीजिए, और कुछ दिन बंद कर दीजिए. क्या किसी को ये पता है कि 6 महीने कोरोना रहेगा या 1 साल कोरोना रहेगा? क्या हम बच्चों के 10वीं और 12वीं के बच्चों का भविष्य इस बात से रोक सकते हैं कि कोरोना वायरस है? ठीक है, एक अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम जरूर है, पर क्या हम उसको रोक सकते हैं? आंसर है नहीं. राहुल, ये सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों की बात नहीं है सर, ये तो छोटे बच्चों की भी बात है ना. यहाँ पे तो हम 5 साल के 6 साल के 8 साल के बच्चे की भी बात कर रहे हैं ना सर. नेहा जी, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में चीजें हो सकती हैं, आप दुकानें खोल सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, तो क्या बच्चों को 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में क्या आप उनको सिखा नहीं सकते? ठीक है ठीक है. रेणु भाटिया जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे हैं, मैं उसी को आगे बढ़ाती हूँ. क्योंकि ये कहा गया कि कोरोना काल है, कोरोना काल में भले ही हम एसेंशियल सर्विसेज को शुरू कर दें, फिर उसके बाद हम ऑफिसेज को शुरू कर दें, फिर उसके बाद हम तमाम और चीजें भी शुरू कर दें, मॉल शुरू कर दिए गए, बाकी तमाम चीजें शुरू कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया कि 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से बुजुर्ग जो लोग हैं वो घरों में ही रहे, क्योंकि ऐसे में उनको ज्यादा खतरा है. लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस को खोल देना चाहिए, स्कूल्स में तो मैम वो भी बच्चे आते हैं जो 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का, 8 साल का, यानी कि 10 साल से तो छोटे हैं, तो क्या आप खतरा कम हो गया है क्या? देखिए नेहा, मैं उन्होंने सारे जो भी नॉर्म्स हैं एजुकेशन के वो बताए, और अभी मैं डॉक्टर साहब को भी सुन रही थी, डॉक्टर भार्गव को, इन्होंने टेक्निकल फॉर्म्स ऑफ हेल्थ बताया, इफेक्ट ऑफ टेक्निकली इफेक्ट ऑफ हेल्थ टू द चिल्ड्रन. क्योंकि घर बैठ के एक बड़ा आदमी भी कई दिन तक अगर बैठा है तो वो जो है मेंटली हिरास होने लग गया खुद से, किसी ने उसे तंग नहीं किया लेकिन वो खुद से अकेलापन, बोर या मेंटल डिस्टर्ब फील होने लग गया. ये ऐसे हजारों केस आए हैं हमारे पास. और इसी तरह से बच्चों का अगर आप सुने, और आप याद हो जब पहली बार सरकार ने डिसाइड किया था कि 31 अगस्त को स्कूल खोलेंगे तो बहुत से पेरेंट्स ने विरोध किया था और ये कहा था कि नहीं, हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने बच्चों की जान दांव पे नहीं लगाना चाहते, पहले आप पार्लियामेंट खोलिए, विधानसभाएं खोलिए, ये सारी बातें. इस चीजों पर विचार किया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी किया, और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें हुई इन चीजों को ध्यान में रखते हुए. तो थोड़ा थोड़ा समय और देने का जो है निर्णय लिया कि थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद इसमें कुछ कंट्रोल होता दिखाई दे या कम होता दिखाई दे, ये सारी बातों को एम्फसाइज किया गया. और अब आप देखिए कि एक सर्टन स्टेज ऐसी आ गई जब
इंसान खुद विरोध में आने लग गया अपने आप से कि काम कब तक बंद रहेंगे, आखिर कब तक बसें नहीं चलेंगी, कब तक ट्रेन नहीं चलेंगे, कब तक एयर सर्विस नहीं चलेगी, कब तक मॉल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि देखिए मॉल में हजारों एक सवाल सवाल इस बात को लेकर है रेणु भाटिया जी, सवाल इस बात को लेकर है मैम, यहाँ पर ट्रेनें बंद होने, यहाँ पर मॉल्स बंद होने, यहाँ पर तमाम और कामकाज बंद होने, ऑफिस बंद होने की बात नहीं है, यहाँ बात स्कूलों की है, बच्चों की है, बच्चों की जिंदगी की है। लिंक बच्चे क्या नहीं सीख सकते, क्या बच्चे क्या हाइजीन नहीं सीख सकते या सिखाए नहीं जा सकते अपने को, बाहर निकलना पड़ेगा। ये रिग्रेसिव थॉट प्रोसेस है कि कोरोना से डर के रहे, कोरोना कब तक जाने वाला है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बंद रखना चाहिए, तो सवाल सिंपल सा, कोरोना कितने दिन में जाएगा ये बता दीजिए, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, कब तक? को कंप्लीट करना, बिल्कुल बिल्कुल आप कंप्लीट करिए रेणु जी। मैं डॉक्टर भार्गव की बात से बहुत अच्छे तरह से सहमत हूँ और मुझे लगता है डॉक्टर भार्गव बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, क्योंकि एक अल्टीमेटली एक सर्टन स्टेज तक हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी क्षेत्र से रोक सकते हैं। और डेफिनेटली ये बात शुरू से ही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। जब WHO ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इसका अभी कोई इलाज नहीं है, हमें इसके साथ जीना होगा, तो डेफिनेटली हमें उन हैबिट्स को अडॉप्ट करना होगा। आज हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं, 5 साल का भी आज आप बच्चा देखिए नर्सरी KG में है, उसे पूरा ऑनलाइन सिस्टम करना आ गया है। मुझे शायद कई टेक्निकल चीजें फोन में करनी ना आती हो, लेकिन मेरे घर के छोटे 4-5 साल के बच्चे को आता है। तो अगर हम बच्चों से वो चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बच्चों को नॉलेज देने की और उनको अपना केयर करने की, नॉलेज देने की सोच क्यों नहीं रख सकते? ठीक है अजय जी, क्या ये पॉसिबल है क्या, जिस बात का जिक्र अभी रेणु भाटिया जी कर रही है कि हमें बच्चों में ये आदत डालनी होगी, लेकिन क्या लगता है कि पॉसिबल है? अगर बच्चे ही समझदार हो तो फिर वो बच्चे रहेंगे क्या? नेहा जी कैसी बातें कर रही है, बच्चों के समझदारी एटिकेट्स है। अजय जी, अजय जी सर, मैं लौटू क्या आपके पास, डॉक्टर राहुल भार्गव आऊंगी सर, सर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग अगले 30 साल तक जो हम लैग करते थे, आप ये समझिए नेहा जी 30 साल की उम्र में जाके हमने सीखा खींचते कैसे है जब कनाडा गए, क्या आज बच्चे को नहीं पता कि किस तरह? सर अभी सरकार को समझने में इतना वक्त लग गया, सरकार पहले ये कह रही थी कि बच्चों को घर से बाहर ना निकाले, सरकार पहले ये कह रही थी बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, सरकार पहले ये कह रही थी कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है, अब धीरे धीरे चीजें खुल रही है। नहीं समझने में जब सरकार को सर वक्त लग गया, तो बच्चों को समझने में भी वक्त लगेगा ना राहुल भार्गव। सवाल इस बात को लेकर अजय जी के पास मैं पहले चली जाऊँ, फिर मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे तफसील से जानूंगी सर, तफसील से जानूंगी, पूरा मौका दूंगी आपको, आपको पूरा मौका दूंगी। अजय जी, अजय जी कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? सर लौटूंगी सर, मौका दूंगी। रात को दिन कहो तुम दिन कहेंगे, जो सरकार का फैसला है अंतिम फैसला है, और सरकार ने जब कहा लॉकडाउन कर दो हमने लॉकडाउन कर दिया, सरकार ने बोला अनलॉक कर दो हमने अनलॉक कर दिया, सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, मल्टीप्लेक्सेस बंद कर दिए, हमने कहा ठीक है बंद कर दिए। अब सरकार ने कहा कि 10 साल से छोटे बच्चों को और 7 से अधिक आयु के लोगों को जिसको आप बाहर ना निकाले तो उनसे बचा के रखे, हमने वो बात मान ली। लेकिन नेहा हमें सोचना होगा जो बड़ी क्लासेस हैं उनका तो समझ आता है, जैसे अभी आपने रेणु ने सवाल किया कि बड़ों को तो हम समझा सकते हैं, छोटों के लिए जिम्मेदारी स्कूल के साथ साथ पेरेंट्स की भी बहुत जरूरी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे जब ये पॉसिबल होगा। दूसरी बात, सरकार को टाइमिंग कोई भी चीज टाइमिंग चाहिए तो टाइमिंग, किस टाइम हमें लॉक करना है, किस टाइम हमें अनलॉक करना है। सर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, मुझे मैं बच्चों की मानसिकता के बारे में रेटा जी से जान लूंगी, वो बेहतर तरीके से बताएंगे। आप मुझे कांग्रेस का, मुझे कांग्रेस के बारे में बताइए ना सर, कांग्रेस क्या चाहती है, इस फैसले के साथ है या नहीं? राहुल जी प्लीज, एक करके अजय जी कांग्रेस का रिएक्शन बताइए मुझे, क्या आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है, क्या स्कूल कॉलेजेस को खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? देखिए इस विषय में ये इतना गंभीर विषय है, इसका एकदम जवाब बनता नहीं है। किस प्रकार से डॉक्टर राहुल एक डॉक्टर भी हैं,
उन्होंने साइंटिफिक बात की। अजय जी देखिए इस तरह से मत खेलिए, अब जिट भी मेरी पट भी मेरी, ये थोड़ी ना होता है। आप बताइए ना कि कांग्रेस चाहती है कि स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले या नहीं खुले, क्लियर बताइए ना। देखो मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और मैं किसी को बोला, आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सवाल का जवाब पॉजिटिव तरीके से देखिए और मैं बीच में किसी को नहीं बोलने दूंगा। आगे बढ़ाने आपकी कमी है, इसमें कमी बताइए। कांग्रेस देश के साथ है। अजय जी, अजय जी, अजय जी, आप लोग कह रहे थे नीट की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, जेईई की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, आप उसका खुलकर विरोध कर रहे थे। स्कूल कॉलेजेस खुलने पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मैं सीधा आपसे सवाल आपसे पूछ रही हूँ। क्या मार्च में कांग्रेस को बीजेपी को पता था कि कोरोना क्या करेगा? किसी को पता था कि अमेरिका में क्या होगा? ठीक है, राहुल के साथ क्या होगा? डॉक्टर राहुल, ये समय के रहते सवाल एक्शन किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, समय है जहाँ पे सब चीजें खोल देनी चाहिए, क्योंकि उसी के चलते हुए स्कूल खुला जा रहा है। ठीक है, मनोविज्ञान जारी रखिए सर। मैं डॉक्टर, अजय जी, अजय जी, कांग्रेस का रिएक्शन मुझे बता दीजिए। हम सबकी तो डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब हम सबकी तरफ से बोल लेंगे। अजय जी, जल्दी से रिएक्शन दीजिए ना, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है मुझे बताइए ना, क्या प्रतिक्रिया है? खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए? नेहा, हमारी प्रतिक्रिया मानती का सरकार, हमने तो फरवरी में कहा था क्या कोविड से सावधान हो जाओ, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट बंद करो। सरकार तो अपना सर, मैं आपसे स्कूल कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, आप अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर पहुंच जाते हैं। अजय जी, आप समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं मेरा सवाल क्या है? आप समझ पा रहे हैं मेरा सवाल क्या है? या तो स्टैंड क्लियर करिए ना सर, आप हर मुद्दे पे आप डाइसी मोड में रहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, ऐसे नहीं होता ना सर, ऐसे नहीं होता ना। अजय जी, आप मुझे क्लियर कट बताइए सर, आपका क्या कहना है? कांग्रेस का क्या कहना है? स्कूल कॉलेजेस खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए? सीधा सा सवाल है, सीधा सा आंसर दे दीजिए। नेहा नेहा नेहा, सवाल का जवाब मैं भूमिका के साथ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, भूमिका मत बनाइए ना सर, ना इतना टाइम आपके पास है ना मेरे पास है इतना टाइम, भूमिका मत बनाइए सर। यहाँ पे तो कट टू कट आंसर दीजिए आप। बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, खुलना चाहिए। हम बच्चों के भविष्य बोल रहे हैं, मुझे सर डॉक्टर को दिक्कत किस बात से आ रही है? ये विडंबना है सर, ये वाकई में जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप लोग देते नहीं है। हम बोलते हैं उत्तर का जवाब दे दीजिए, आप दक्षिण पहुंच जाते हैं। ऐसे नहीं होता ना। रेणु भाटिया जी भी कुछ कहना चाह रही है, उनके पास भी मैं चलूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बात दरअसल कोरोना काल में पढ़ाई लिखाई की कर रहे हैं कि कोरोना काल है, जो स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके साथ साथ ही अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों को खोलना यहां पर जरूरी है, क्या कॉलेजेस को खोलना, इंस्टीट्यूट को खोलना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस पर हम लगातार बहस कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सवाल इस बात को लेकर भी है रीटा सिंह जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र किया जा रहा था बार बार कि बच्चे क्या ये समझ पाएंगे कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, क्या बच्चे ये समझ पाएंगे कि उन्हें हैंड सैनिटाइजर का यूज करना है, क्या बच्चे ये समझ पाएंगे कि उनका भविष्य, क्योंकि ये भविष्य का एक साल जो है वो खराब हो जाएगा, लिहाजा उन्हें स्कूल में जाना है, पढ़ाई करनी है और कोरोना उनके आसपास ना हो, तो ऐसे में तमाम तरह के जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन करना है, क्या उनको समझाना आसान होगा क्या? रीटा जी, मैं दो तरीके से आपकी बात करूंगी, दो पॉइंट्स में बात करूंगी। पहली बात, वो साल खराब होने वाली बात जो आपने कही, मुझे साल खराब होना सबसे छोटा इशू लग रहा है इस पूरी सिनेरियो में जी। साल खराब होना एक बच्चे का या एक इंसान का जिसने एवरेज 70-80 साल या 90 साल जीना है, एक साल इधर उधर ऊपर नीचे, मैं तो ऐसी बातें अपने जो बच्चे नॉर्मल सर्कमस्टांस जो फेल होते थे उनसे भी कहती थी कि एक साल इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है। ये साल जो 12वीं के बच्चों को अगर रोक दिया गया तो ये अगले साल की 12वीं के बच्चों के संग कम्पीट करेंगे। मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी हम आप अभी बात नहीं करेंगे, हम इसी की बात करते हैं जो आप कह रहे थे क्या बच्चों को समझ में आएगा। मेरा कहना है कि जिस तरीके से इसको हवा बनाया गया है, और हवा है, बनाया नहीं गया है, एक बहुत बड़ी बीमारी जो हमारे सामने है, वो
पेरेंट्स ने आज की डेट में ऑलरेडी इतने अच्छे से समझा दिया है हर बच्चे को कि बल्कि जैसे इन्होंने राहुल जी ने बात की मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है, उल्टा इस समय असर है इस समय बच्चों के दिमाग में। इतना हवा बना हुआ है कि उनको हमें ये सिखाने का समय आ गया है कि एहतियात के संग ये प्रिकॉशन लेते हुए इस तरीके से लाइफ लीड करते हुए बिना मास्क उतारे हुए इस तरीके से हाथ धोते हुए इस तरीके से हम ये अचीव कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल को अपनी सेफ्टी और अपनी लर्निंग दोनों को अपने हाथ में लेते हुए चलना ठीक है। ये समझाना जरूरी है रीता जी, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव सवाल इस बात को लेकर है, हम क्योंकि इस मसले पे लगातार बहस करते हैं और आप हमेशा गेस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमने आपको ये भी दिखाया कि कब कब कहां कहां पर किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। सर बड़े इस तरह के अगर बर्ताव करते हैं तो हम छोटे बच्चों से क्या उम्मीद करें? डॉक्टर राव नेहा जी, सबकी ड्यूटी है समझाना। हमारे को देश में कोरोना ने एक अवसर दिया, तो बड़े नहीं समझ पा रहे सर बच्चों को क्या क्या उम्मीद करें नेहा जी। अवसर तो कोशिश तो करेंगे ना, कहीं तो कोशिश स्टार्ट होगी। क्या हम कोशिश करें बिना हमेशा घर में दुखे? कोशिशों में ही तो ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। छोटे आप सब ने कहा, बहुत सारे चैनलों ने कहा कि आईआईटी जेईई डिले करना चाहिए, नीट डिले करना चाहिए। आप मुझे बताइए कितने बार डिले, अगर उस दिन जिस दिन एग्जाम हुआ उसमें कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ, नहीं हुआ, कितनी बार चीजें कॉन्ग्लोमरेशन हुआ। जो आपका किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आपको चिंता नहीं है, आपको जो बच्चे पढ़ सकते हैं उस पर डिबेट करना है और विपक्ष पार्टियों को उस पर डिबेट करना है कि बच्चे कैसे सीखेंगे। आप देखिएगा, आप मार्क माय वर्ड, अगले दो महीने में हर बच्चा बड़े को शर्मिंदा करेगा कि वो ज्यादा समझ सकते हैं। नेहा जी मैं बोलूंगी ये बात कि आज की डेट में कोई भी इशू हो, चाहे वो पॉलिथीन नहीं इस्तेमाल करने का है या वो रिवर में कुछ नहीं फेंकने का या रोड पे नहीं फेंकने का या पेट्रोल बंद करने का गाड़ी का, आज की डेट में बच्चे बड़ों से ज्यादा अच्छे से समझते हैं और वही एक इसी देश को आगे लेके जाने वाले। आप नेहा जी ये बात क्यों नहीं सोचते, डिबेट इस बात की होनी चाहिए कि किस तरह से बच्चों को एजुकेट करना है। ठीक है रेणु भाटिया जी, सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, क्योंकि क्यों नहीं कांग्रेस आप पार्टी और बीजेपी मिलके हर बच्चे को और माँ बाप को ये शिक्षित करे कि आपको अपने बच्चे को कैसे सेफ रखना है। क्यों अमरीका ने अपने स्कूल खोल दिए, क्यों यूरोप ने अपने स्कूल खोल दिए, इसलिए खोल दिए क्योंकि हम बच्चों को समझाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है डॉक्टर राहुल, माहौल में नहीं रह सकते ये जो बार बार विपक्षी पार्टियां डर बनाती है। रेणु भाटिया जी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि सरकार की तरफ से देखिए तमाम विरोधों के बावजूद डॉक्टर राहुल जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तब आप उसका आंसर करेंगे सर, क्योंकि और भी मेरे पास पैनलिस्ट है सर, मुझे सबको टाइम देना होता है सर, सभी बहुत जानकार लोग हैं और जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे मुझे सवाल पूछना होता है। रेणु भाटिया जी से मेरा सवाल है। रेणु जी सवाल इस बात को लेकर है कि मैम तमाम विरोध हुए जब सरकार ने ये फैसला किया कि जेईई नीट और कैट जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं को कराया जाएगा, उसका विरोध हुआ, लोग सड़कों पे उतरे, कोर्ट तक ये पूरा मामला गया, उसके बावजूद भी सरकार अपने बातों पर अड़िग रही, कोर्ट ने भी जो कहा कि नहीं इस एग्जाम्स को करवाना चाहिए और ये तय वक्त पे होना चाहिए, भले ही थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक इन एग्जाम्स को कराया, क्या माना जाए कि उसी तर्ज पे अगर स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया जाता है तो ये भी उतनी सफलता के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस कार्य में भी? देखिए नेहा, सरकार ने जितने भी पैरामीटर्स बनाए थे, जितनी भी बातें सुझाई थी, जितने भी नॉर्म्स क्रिएट किए हैं, वो बड़े दूरदर्शी तरीके तक सोचकर बच्चों का भविष्य देखते हुए, बच्चों की बीमारी, बच्चों की देखभाल, हर तरीके से पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन, बहुत सारे पैरामीटर्स को सोचकर लागू किए होते हैं। उसमें जैसे आप सर्वे करते हैं ना, जब 1,000, 2,000, 3,000 लोग किसी एरिया में आपको सेम बात बोलते हैं तो आप सर्वे की रिपोर्ट उस तरह की देते हैं। सेम पैरामीटर सरकार ने लिए, मैक्सिमम लोगों से पूछा। डॉक्टर भार्गव और मेरी दोस्त रीता जी इस बात को सहमत होंगी मेरी कि बहुत सारे टीचर्स से भी इस चीज के बारे में विचार किया गया, बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पैनल से भी इस बारे में विचार किया गया कि किस तरह से करना चाहिए, एज वाइज बच्चों की हेल्थ को सोचते हुए भी और मेंटल वाइज बच्चों की एज को सोचते हुए भी। मैं रीता जी की एक बात से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं उनको साधुवाद देती हूँ जो उन्होंने बड़ी समझदारी की बात कही।
कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए बच्चों को हमें समझाना है और उनको उस तरह से अपग्रेड करना है प्रॉब्लम के साथ, तो वो नॉलेज हम ही तो देंगे, तो टीचर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रेनू जी, रेनू जी, वही वही सवाल मेरा आपसे है जो रीटा जी से था, सवाल इस बात को लेकर कि यहाँ तो मैम बड़ों को नहीं समझा पा रहे, आप बेहतर तरीके से जानती हैं किस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, किस तरह से लोग मार्केटों में जा रहे हैं और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरह से मास्क हटा रहे हैं, ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बच्चों को समझाने की बड़ी चुनौती है। एक मिनट मैं अपनी बात को कम्प्लीट कर लूँ डॉक्टर साहब। नेहा, हर तरह के दुनिया में लोग हैं, अब ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को धूप में नहीं भेजेंगे, एसी बस में रखेंगे, एसी कार में रखेंगे, एसी घर में रखेंगे, तो उस बच्चे से स्पोर्ट्स की एक्सपेक्टेशन, कबड्डी की, फुटबॉल की कहाँ से आप करेंगे चैंपियन बनने की। इसी तरीके से और अन्य लोग हैं जो कहते हैं नहीं, बच्चे का जब तक पसीना नहीं निकलेगा वो मजबूत कैसे होगा, उसकी इम्यूनिटी मजबूत कैसे होगी। तो हर तरह के हर सोच के लोग हैं, और हमें अगर अपने बच्चे का भविष्य जिस और ले जाना है तो उसके लिए हमें उस तरीके से सोचना होगा। अब कोरोना में या मोदी जी ने कोई ऐसा तो कहा नहीं कि रेणु भाटिया के बच्चे को तो कोरोना नहीं होगा, जिसके पार्टी के लोग हैं या सरकार में हैं, और जो है अजय अरोड़ा जी के बच्चे को कोरोना होना चाहिए क्योंकि वो सरकार में नहीं है। तो ऐसा तो कोरोना ने डिफाइन किया नहीं है कुछ। कोरोना होगा तो सबको होगा, प्रिकॉशंस मेजर्स वो हमें खुद को रखने हैं। आज मैं एक तीन चार दिन पहले मैं एक एड देख रही थी, आज मैंने किसी और दूसरे चैनल से भी उसका उदाहरण दिया, एक छोटे से बच्चे की मदर ने उसे उठाया, आई थिंक दैट चाइल्ड इज थ्री इयर्स और टू एंड हाफ इयर्स, थोड़ा थोड़ा अच्छा बोलना सीखता है जब बच्चा, तो उसको भी इतना इफेक्ट हो गया मास्क लगाने का कि उसकी मम्मी जान जान के उसका मास्क हटा रही थी और बच्चा बार बार लगा रहा था। तो उसकी मदर ने पूछा कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है ये जो है, तो मदर ने कहा कि बेटा मास्क टेक अवे योर मास्क, कहते नो मोदी अंकल सेड डोंट रिमूव योर मास्क। आई मीन उस बच्चे के दिमाग में भी इतना अच्छा इफेक्ट हो गया। ये तो अच्छी बात है मैम, अगर बच्चे भी चीज सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अजय अरोड़ा जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते अजय जी। अजय जी कह रहा हूँ, नेहा रीटा जी ने बड़ी सटीक बात की, मुद्दे पे बात की, हम डिबेट को क्यों नहीं होने जा रहे हैं। आपने मुझसे सिर्फ प्रश्न किया था, उसका उत्तर पूरा नहीं, ब्रेक आ गया बीच में। मैंने कहा कि इसे स्टेप वाइज, जैसे पहले नौवीं से बारहवीं तक बोला, साथ में छठी से आठवीं, छोटे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए कायदे से। और जहां तक डॉक्टर राहुल जी बार बार कांग्रेस पार्टी सर खोलने के पक्ष में है, मुझे समझ ये कभी नहीं, देखिए सरकार की जो अच्छी बात होती है उसकी कभी नहीं, क्यों नहीं बात करूं सर, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपसे कांग्रेस की बात नहीं करूं तो मैं अजय अरोड़ा जी के घर के बारे में पूछूं क्या सर? बच्चों के भविष्य की बात करें, नहीं किसकी बात करूं मैं, बताइए ना, नहीं आप मुझे बताइए ना अजय जी, फिर आप उसी बात पे आ जाते घूम फिर के। वो प्रधानमंत्री मन की बात सुनते तो है नहीं हमारी, अगर हमारे मन की बात सुनते इतना कोरोना बढ़ता ही ना। सर मैं आपके मन की बात क्यों पूछूंगी सर? अजय जी मुझे कांग्रेस के बारे में बताइए, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर? कांग्रेस पार्टी स्कूल कॉलेजेस खोलने के पक्ष में है या नहीं है, क्लियर करिए। डॉक्टर जी ने बोला अजय जी, डॉक्टर राहुल सवाल का आंसर दे रही है, आप बिहार की डिबेट कर रहे हो, आप डिबेट सर बिहार की डिबेट नहीं हो रही है। अजय जी आप मैं एक सवाल आपसे चार बार पूछ चुकी हूँ, उसका जवाब आपको ना देना है ना आप देने के इच्छुक है सर? आप सवाल का जवाब देंगे, आप सवाल का जवाब देंगे? अजय जी, डॉक्टर राहुल, अजय जी मैंने 20 डिबेट किए के साथ, अजय जी अजय अरोड़ा जी, अजय जी कैसे बातें कर रहे हैं, आपका कर्तव्य होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए, डॉक्टर राहुल, आप स्कूल खुलने की ना बात ना खुली सर, आप सीधा से जवाब दीजिए ना, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? रेनू कर लेंगी ना, रेनू जी, अजय अरोड़ा जी, अजय जी, अजय अजय रेनू जी बड़ी पढ़ी लिखी है सर, अच्छी प्रवक्ता है, उनका काम आप ना करें। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बता दीजिए अजय जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए, या फिर आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं पता कि हमारी पार्टी क्या चाहती है? या जम्मू कश्मीर में जैसे धारा 370 हटाई गई थी, निष्क्रिय किए गए थे, आधे पार्टी के जो नेता है उसका सपोर्ट कर रहे थे और आधे उसके खिलाफत में खड़े होते, ये अभी सिचुएशन है जो हर सिचुएशन हर स्थिति में
अब कांग्रेस पार्टी दो भागों में, दो खंड में बटी हुई नजर आती है, इस विषय पर भी दो खंड में बटी हुई है क्या, इसलिए अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्या? दो में बटी है, चार में हम नया संभाल लेंगे। अरे सर बता दीजिए ना, आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? आपकी चिंता नहीं है, ये चिंता नहीं, चिंता तो सर बढ़ जाती है कि कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य होगा। भविष्य के साथ है, आप ये बता ही नहीं पा रहे, आप ये बता ही नहीं पा रहे सर, आप बताइए ना क्या स्टैंड है आपका? बंद रखे, आप कैसे भविष्य में, आप कहते भविष्य के साथ में, मैं पूछ रहा हूं कैसे, बस कैसे मुझे बताइए तो सही, क्या स्कूल बंद करके, क्या परमानेंटली दो साल में स्कूल बंद करके, क्या सिर्फ यही तरीका है? आपने देखा कि ऑनलाइन तरीके से आने से बच्चों की आंखों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? नेहा एक छोटा सा जवाब दीजिए, नेहा एक छोटा सा, रेणु जी मैं लौटूंगी आपके पास, मैं एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र, जल्द लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। दरअसल लोकतंत्र में आज बात हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कर रहे हैं, विषय यही कि इस वक्त जब कोरोना काल है, इस वक्त जब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हजारों में निकल के सामने आ रही है, इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से लाख का आंकड़ा छूते छूते कहीं रह गया, तो ऐसे में जाहिर तौर पे इस वक्त क्या लगता है कि स्कूल कॉलेजेस और शिक्षण संस्थानों को खोलना उचित है या उन्हें खोल देना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोरोना से निपटने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, तो क्या इस वक्त हमें ये फैसला लेना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाएं, क्योंकि अब ये पूरी तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार क्या चाहती है, और पेरेंट्स पर निर्भर करता है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, यानी कि अभिभावक क्या चाहते हैं, इस पर लगातार हम डिबेट कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले रेणु भाटिया जी कुछ कहना चाह रही थी, पहले उनके पास चलते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए मैं केवल अजय भाई को इतना कहना चाह रही थी कि सरकार का इतना सहयोग तो करें कि जिसमें सरकार ने कभी डिफरेंस नहीं किया कि मेरा बच्चा तेरा बच्चा, इस पार्टी का बच्चा उस पार्टी का बच्चा, इसलिए ये देश का इस बात इन बातों में कम से कम हमें सहयोग करना चाहिए। और जो पॉजिटिव थिंकिंग है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में भी बनते ही ये कहा था, कांग्रेस की जो अच्छी नीतियां हैं, जो अच्छे कार्य चल रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और यदि उनमें कुछ परिवर्तन देश हित में सोचकर करना पड़ेगा तो वो करेंगे। तो कम से कम प्रधानमंत्री जी की इस भाषा से, इस बात से, इस एहसास से तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो देश के हित की बात करते हैं, वो ये नहीं कहते कि बीजेपी वालों के बच्चे अच्छे हो जाने चाहिए और कांग्रेस वालों के। चलिए अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड नेहा, मैं अजय अरोड़ा जी से केवल इतना पूछना चाहती हूँ कि हमारी प्रियंका दीदी के बच्चे आजकल कहाँ हैं, देश में है या विदेश में है? ये अजय अरोड़ा जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको पता होगा। यदि वो देश में है, हाँ ये बात, तो यदि वो देश में होते तो इसका मतलब उनको अपने देश पर विश्वास नहीं है। अमेरिका जहाँ पर आज को भी कोरोना, आज अमेरिका में जहाँ दर बढ़ रही है मृत्यु की, वहाँ तो उनके अपने बच्चे गए, वहाँ वो विरोध भी नहीं कर रहे, और देश में जहाँ माननीय मोदी जी ने पहले दिन से स्ट्रिक्टनेस रखी, पहले दिन से नियंत्रण करने की कोशिश की, ठीक है सुन लेते हैं कि अन्य देशों के, सुन लेते हैं अजय जी ठीक है सुन लेते हैं। रेणु जी देखो मेरा समय शुरू है, रेणु जी सुन लो, अजय जी बोलिए ना, केवल दो मिनट बोलिए ना सर, नेहा जी केवल दो मिनट, जब प्रधानमंत्री ने बोला, अजय जी प्लीज केवल दो मिनट आपकी बात, रेणु जी आप बोल लीजिए, चलो रेणु जी को बोलने दो, मैं बातें बोलूँ। ठीक मैं कह रहा हूँ, रेणु जी ने जो प्रधानमंत्री की बात की, देखिए मैंने, मैं बड़ी ईमानदारी से बात करता हूँ, इनसे इसलिए पूछा था, इनसे बोल रहे हैं, मैंने इनसे इसलिए पूछा था, सुन लेते हैं अजय जी को, सुन लेते हैं रेणु जी, मैं लौटूंगी आपके पास, अजय जी ये सभ्यता के खिलाफ है, नहीं मैं कह रहा हूँ, हम प्रधानमंत्री जी का आदर करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ, मैंने बड़ी वाली ताली दी डॉक्टर साहब, बड़ी ताली और बड़ा घंटा बजाया मैंने, उन्होंने कहा इससे जिस पर क्योंकि आप, मैंने योगी आप मैंने दिए दिए कर दिए, मैंने मेरी घरवाली स्कूल खुलवा दिए दिए चलाए, सुनो सुनो हमने प्रधानमंत्री की सारी बातें मांग, सोनिया गांधी क्या कह रही है सर बता दीजिए ना, सोनिया गांधी क्या कह रही है, स्कूल कॉलेजेस खुलने चाहिए, उसको समर्थन कर रहे हैं नहीं, प्रधानमंत्री क्या कह रही है तो बड़े अच्छे से सुन रहे हैं आप, अच्छी बात है, अच्छी बात है, महामारी में देश के साथ कर रहे हैं, लेकिन जो सकारात्मक सलाह होगी, मैंने ये कहा है जो बच्चों को भविष्य के लिए, आप भी अभिभावक है, मैं भी अभिभावक, मेरी कई माता पिताओं से बात हुई है, कुछ लोगों का मत कुछ है, कुछ का अलग है,
क्योंकि अभी लोग कंफ्यूज हैं 15 अक्टूबर के लिए। मेरा इसमें इतना ही कहना है कि बच्चों का बिल्कुल मानसिक विकास होना चाहिए, खुलने चाहिए, और मेरी इसी से गुजारिश है सरकार से कि स्टेप बाय जैसे उन्होंने नौवीं से अजय जी क्लियर कर दीजिए, 10 साल से कम ये अजय अरोड़ा जी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है क्लियर करिए, आप कह रहे हैं स्कूल कॉलेजेस खुलने चाहिए, तो ये कांग्रेस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं ना, या अजय अरोड़ा जी कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से अपने अजय अरोड़ा जी अपने दिल की आवाज को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ आप अपने दिल की और सही बात को बता रहे हैं। सर मेरा सवाल नहीं सुन रहे, ये बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ कि मेरा सवाल समझ नहीं आता आप लोगों को। नेहा इसका मैं जवाब दे देती हूँ अजय जी की तरफ से। रेणु जी जो बच्चों का भविष्य है मैं बच्चों के साथ, अजय जी अजय जी की बात की महानता ये बात है, अजय अरोड़ा बच्चों के भविष्य के साथ है, कांग्रेस पार्टी कहाँ है सर, ये बड़ी दिक्कत है अजय जी आपके साथ, आपको सवाल नहीं समझ में आता, आपके आपके आपको आवाज आवाज ठीक आ रही है ना मेरी, कि अगले जुलाई में वैक्सीन आएगी, आवाज आपको आ रही है, आवाज आपको मिल रही है अजय जी, अजय जी अजय जी प्लीज मुझे इसका काउंटर, अजय जी आवाज मिल रही है, रेणु जी मैं आऊंगी एक सेकंड मैम, अजय जी आवाज आ रही है, रीता सिंह ने जो कहा 54 पेज की गाइडलाइन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, हम डिबेट इस बात पे कर रहे हैं कि कैसे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, डिबेट इस बात की है कि वो 54 पेज के को गीता कुरान कैसे माना जाए और सैक्रोसेंट मान के बच्चों को और माँ बाप को अभिभावकों को सिखाया जाए। ठीक है रीता जी, इस बात पे हो रही थी, ठीक है रीता जी एक सेकंड, नहीं नहीं अजय जी आप क्लियर करना नहीं चाह रहे ना, छोड़ दीजिए अब मैं पूछूंगी नहीं कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्योंकि आप बताना ही नहीं चाहते या फिर आपको पता नहीं है, दोनों में से एक चीज है, कोई बात नहीं आऊंगी मैं आपके पास, रीता जी कहाँ बता दिया सर, खुल गए और जो मोन्टेसरी क्लासेस अभी नहीं खुलनी चाहिए उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए मोन्टेसरी क्लासेस को, क्योंकि जैसे आप हम प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 10 साल से कम आयु के बच्चे ठीक है और 7 साल जो इसको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, कोरोना के 1-1 लाख पेशेंट हो जा रहे हैं, कोरोना अजय जी अजय जी हम तो मेडिकल पर्सनल तो कब से बोल रहे थे कि शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों छोड़ दिए, आप ये बताइए, छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए, नहीं रीटा जी सवाल इस बात को लेकर है, स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात की जा रही है, मैं स्कूलों की पहले बात करती हूँ क्योंकि कॉलेजेस में बड़े बच्चे होते हैं उसको छोड़ भी दिया जाए, लेकिन स्कूलों की अगर हम खास तौर पे बात करें, सवाल इस बात को लेकर है कि खुदा ना खास्ता अगर एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो जाहिर तौर पे बाकी लोग या बाकी बच्चे भी संक्रमित हो इसकी जो संभावना है वो ज्यादा बनी रहती है, ऐसे में अगर ज्यादा बच्चों में संक्रमण फैलता है या पूरी क्लास संक्रमित पाई जाती है इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल मैं आपसे लूंगी, एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, जल्द लौट रहेंगे आप बने रहिए हमारे साथ, चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप लोकतंत्र देख रहे हैं लोकतंत्र में बात, आज कोरोना काल में स्कूलों कॉलेजेस को खोलने की बात हो रही है, शिक्षण संस्थानों को खोलने की बात हो रही है, खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है, रीटा जी ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल था मेरा उसका जवाब दे दीजिए। सिंपल सी बात है, सब मुद्दा जहां कर घूम फिर के मुझे लग रहा है फिजिकल वेलबींग पे आके रुक जा रहा है, पर कहानी इतनी छोटी नहीं है, सिर्फ फिजिकल वेलबींग की ही बात नहीं है यहाँ पे एक मेरा हेल्दी होना है, एक स्टैंड अलोन आइलैंड में बैठ के उसका कोई मतलब नहीं है मेरा हेल्दी होना, एक अगर मैं आइलैंड में बैठी हुई हूँ, अगर मैं इंटीग्रेटेड नहीं हूँ, अगर मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही, मैं पढ़ाई लिखाई किताब कॉपी वाली पढ़ाई लिखाई से नहीं कर रही हूँ, मेरा मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मैं हेल्दी नहीं हूं, मैं हैप्पी नहीं हूं, ये सारा कुछ आपको लेके चलना है। अगर मैं प्रोटोकॉल्स की बात करूं, बहुत आराम से सब हर जना मतलब फ्लेक्सिबल अटेंडेंस की बात कर रहा है, हर जना सिक लीव की पॉलिसी सिर्फ बच्चों से रिलेटेड है, नहीं इवन टीचर्स की लीव की पॉलिसी से रिलेटेड बहुत कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल पॉलिसीज हो गई है इस समय, प्रोटोकॉल अच्छे से डिफाइंड है, अगर कोई सस्पेक्टेड केस डिटेक्ट होता है उसके लिए प्रोटोकॉल डिफाइंड है, हर जगह एक क्वारंटीन एरिया बना हुआ है, एक बहुत अच्छी सी सिस्टम है बबल का, बबल क्रिएट किया जा रहा है हर स्कूलों में, जहां जहां मैं आपको शुरू में ही बताया 3-4 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो कम से कम हमारा 150-300 प्रिंसिपल्स के संग बातचीत होती रहती है, पिछले 5-6 महीने में ज्यादा हो रही है, अब ये जो बबल क्रिएट किया जाएगा, ये बबल, ये बच्चा इस रास्ते से गुजरा, इस क्लास में बैठा,
सिर्फ यही वाले वॉशरूम में गया और वापस आया, एक उसका रास्ते का बबल क्रिएट हुआ, इस रास्ते में कौन सी मेड होगी वो वहीं रहेगी, वो भी एंटर करेगी यहीं पे, वो रहेगी यहीं पे, इन द सेंस कि जो ह्यूमन बबल्स क्रिएट किए जाएंगे इससे खुदा ना खासा अगर ऐसा कोई केस आए, और हम क्यों कहें कि कोई केस नहीं आएगा, हम कहेंगे कि कुछ केसेस हो सकते हैं आए, जिसके लिए हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, हर स्कूल, हर एडमिनिस्ट्रेशन, हर बच्चा, हर पेरेंट तैयार हो उसके लिए। इस लड़ाई को हम इस लड़ाई को हम बीजेपी कांग्रेस की ना बनाए बहुत अच्छी बात होगी, ये लड़ाई हम पेरेंट्स और स्कूल की ना बनाए बहुत, जब क्राइसिस का मोमेंट होता है तब सबको मिलके इसको सॉल्व करना है। अगर अजय जी नहीं कुछ बोल पा रहे हैं तो मैं समझ रही हूँ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि दिली तरीके से समझ रहे कि ये जरूरी है, लेकिन ये कांग्रेस के वक्ता, कांग्रेस के एक मेंबर होने के नाते वो नहीं बोल सकते, ये आप लोग की कॉन्ड्रीज है या आपके डिलेमाज है पॉलिटिशियंस के, लेकिन मैं एज एन एडुकेशनिस्ट चाहे कोई भी सरकार में हो हमारा एक ही एक रवैया रहेगा, अगर आप प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे 654 पेजेस का, इसमें सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क की ही बात नहीं की गई, इसमें यह भी बोला गया कि जब बच्चे वापस, ये नहीं कह रहा है कि आप छोटे छोटे 10 साल के 5 साल के बच्चों को लेके आइए, वो कह रहा है ग्रेडेड मैनर में लाइए, आप पहले क्यों नहीं हमने वो माना जब बोला गया कि 9वीं से 12वीं के बच्चे स्कूल में आए अपनी क्वेरी सेटल करने के लिए, क्या गलत था उसमें? नहीं, पेरेंट्स भेजेंगे क्या? शोर मचा के बंद करवा दिया, पेरेंट्स भेजेंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल हो जाता है, ठीक है, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी और पॉलिटिक्स में भय बढ़ाते हैं उससे मरीज और जो परिजन है वो परेशान होते हैं, अगर हम उनको साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे और उनको शिक्षित करेंगे, लिटरेसी लाएंगे, एजुकेट करेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे, कोरोना के साथ जी पाएंगे। पर विपक्ष तब तक नहीं मानता कि हर चीज में उसको नुक्ताचीनी करनी है कि ये सही है, जब तक हम साइंटिफिक तरीके से फॉलो नहीं करेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना, अजय जी को ऑब्जेक्ट करते हुए, अजय जी भी काफी बैलेंस बातें कर रहे हैं, हम बात करने ही नहीं दे रहे किसी को एक्चुअली, हर जगह मेरे इस पैनल में मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छी बातें कर रहा है डॉक्टर साहब, बड़े ऑफेंसिव मूड में नेता जी, सर बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाना है, दिक्कत क्या है? देखिए मेरे अस्पताल में मैं साइकेट्रिस्ट के साथ बैठ के रोज डिप्रेशन के बढ़ते हुए केसेस को देखता जा रहा हूँ, हमारी बात की है कि रोजगार मिले ना मिले पर ऐसा ना हो कि डिप्रेशन बहुत बड़ी जड़ बन जाए, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी जड़ बनता जा रहा है जिसको देश में निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है रीटा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए मैम, क्योंकि बच्चों को समझाना, एक सेकंड मेरा भी चलान कटा कल, आप मास्क पहन ले गाड़ी में बैठी हो क्योंकि रोज चलान कट रहे हैं, आपका मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है रीटा जी सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है बच्चों को समझाना है, उनको बुलाना है स्कूल, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो रही है, और ऑनलाइन क्लासेस में मेरे ख्याल से उतना ज्यादा एफर्ट नहीं हो पाता या बच्चों को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता जितना प्रैक्टिकली हम लोग क्लास में समझाते हैं या बच्चे समझते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बच्चों के माँ बाप यानी कि जो अभिभावक हैं क्या इसके लिए तैयार होंगे इस विकट स्थिति में, जब एक एक अब इस बात का एग्जांपल ले लीजिए कि एक डॉक्टर जो कि पीपीई किट पहनकर जो पेशेंट्स हैं उनको देखता है, बावजूद इसके वो संक्रमित हो जाता है, बावजूद इसमें अगर हम देखें कि बच्चों से भरी हुई क्लास अगर वहां पर एक भी कोरोना से संक्रमित बच्चा होता है तो जाहिर तौर पे वो सबको संक्रमित करेगा या उसके संक्रमण को फैलने का खतरा और ज्यादा होगा, तो ऐसे में इस सिचुएशन में क्या अभिभावक मानेंगे कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें? देखिए हम लोगों ने सर्वे करना ऑलरेडी शुरू कर दिया था जब 9 से 12 की बात हुई थी, और आपका कहना बिल्कुल सही है, हमारा भी ये एक्सपेक्टेशन था, करीब 40 से 55 मैक्सिमम 65 एक दो स्कूलों के केसेस में 65% पेरेंट्स ने कहा कि हाँ हम बच्चे भेजेंगे, सो हम एकदम नीचे आ जाते हैं 40% पे आ जाते हैं, वो स्कूल हो जहाँ पे 40% की एवरेज ले लीजिए 50% पेरेंट्स कहने कि हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे, लेकिन कौन कह रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो रही है, कौन कह रहा है कि आना स्कूल में जरूरी है, कौन कह रहा है कि इसी तरीके से पढ़ाई होगी, ये अगर आप समझेंगे कि इस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार या जो प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, जो हम लोग को एज एजुकेशनिस्ट और एज पीपल हु कैन अंडरस्टैंड
वर्केबिलिटी ऑफ द प्रोटोकॉल वो बिल्कुल लागू करने में आसानी होगी ऐसा लग रहा है. सिर्फ एक फाइनेंशियल चैलेंज आ रहा है, कह रहा है कि स्कूल भी आप चलाएंगे और आप ऑनलाइन क्लासेस भी करेंगे. ये हल्के हल्के चैलेंज. आखिरी सवाल मेरा रेनू भाटिया जी से है. रेनू जी, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे तो तमाम मानकों का जो स्कूल है वो ध्यान रखेंगे, ये कैसे सरकार सुनिश्चित करे? देखिए देखिए नेहा, सरकार ने अपने, मैंने अभी भी बताया, सारे पैरामीटर, सारे बैरियर, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें जो है सोची हैं जी. और इसीलिए जो है सरकार हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखकर चलना चाहती है. लेकिन फिर भी अगर हम केवल नुक्ताचीनी के ऊपर बिलीव करते हैं तो मुझे लगता है हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. हम प्रैक्टिकल तरीके से ध्यान में रखते हुए डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन और भी जो हमारे शिक्षाविद मैम ने अभी, रीता जी ने भी बातें की, उन सबको अगर प्रैक्टिकली आगे बढ़ाते हुए मेडिकल टर्म्स में डॉक्टर भार्गव ने जो बात की, हम इन सबको बातों को सोचकर ध्यान में बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल प्रैक्टिकली चीजें सोचकर आगे बढ़ना चाहिए. बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए. दरअसल आज हमने लोकतंत्र में बात की कि क्या स्कूल को खोलना, कॉलेजेस को खोलना, शिक्षण संस्थानों को खोलना क्या उचित है इस वक्त जब कोरोना से संक्रमित जो मरीज है उनकी संख्या काफी ज्यादा पहले से बढ़ चुकी है, और ऐसे में क्योंकि अब बच्चों को भी समझाना जरूरी है और ऐसे में पढ़ाई को भी आगे बढ़ाना जरूरी है, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है क्योंकि सरकार का ये साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होगी. जब तक अभिभावक नहीं चाहेंगे तब तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, और ऐसे में जब अभिभावक बाकायदा लिखित में देंगे कि उनके बच्चे स्कूल आना चाहते हैं या वो भेजना चाहते हैं तभी वो स्कूल आ सकते हैं, और अटेंडेंस का भी कोई प्रेशर नहीं होगा. तमाम तरह की गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई है, लेकिन ऐसे में वाकई अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो गाइडलाइंस जारी की गई है क्या स्कूल उनका पालन करते हैं या फिर नहीं. इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही. नमस्कार.